नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। प्यारे दोस्तों, इन दिनों कोरोना वायरस जैसी भयंकर बीमारी से पूरी दुनिया जंग लड़ रही है और हमारा देश हिंदुस्तान भी इस जंग में शामिल है। कोरोना वायरस की जो बीमारी है, आप सब जानते हैं कि काफ़ी कंटेजियस है और एक शख्स से दूसरे शख्स में बहुत आसानी से ट्रांसफ़र होती है। इस बीमारी का जब तक कोई परफेक्ट इलाज नहीं ढूंढ लिया जाता, तब तक के लिए इस बीमारी से बचे रहने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपने अपने घरों में रहें। और इसी वजह से हमारी सरकार ने और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने 24 मार्च से लॉकडाउन डिक्लेयर किया है। इसी लॉकडाउन का पालन करते हुए हम सब इन दिनों अपने अपने घरों में हैं। लॉकडाउन का पीरियड सबके लिए थोड़ा थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन हम सब के घरों में रहने की वजह से ही कोरोना वायरस की बीमारी जितनी दूसरे मुल्कों में फैली है, उसके कंपैरिजन में हमारे देश में इसका फैलाव काफ़ी कम है और हम इसको कंट्रोल में रख सके हैं। आप सबका घरों में रहना आगे भी बहुत ज़रूरी है। लॉकडाउन के इस वक्त को बिल्कुल भी बोर हुए बिना या उकताए बिना पॉजिटिव वे में खुशी खुशी हैप्पीली पसार करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने परिवार को वक्त दें, गेम्स खेलें, टेलीविज़न पर अच्छी मूवीज़ देखें, म्यूज़िक का आनंद लें, चाहे सुनें चाहे गाएं, एक्सरसाइज करें। और उसके साथ एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात के साथ ही साथ थोड़ा सा वक्त अपने मालिक को, अपने ईश्वर को, अपने अल्लाह को, अपने जीसस को याद करने में भी लगाएं, क्योंकि इस तरह की जो भयंकर महामारी है, बीमारियां हैं और प्रॉब्लम्स हैं, उसमें इंसानी कोशिशों के साथ साथ भगवान की मदद बहुत ज़रूरी है। मैं भी आज इस वीडियो के ज़रिए आप सब से ज़ाती तौर पर यही अपील कर रहा हूँ कि जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है, आप बिल्कुल इसे तोड़े बिना अपने अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। बहुत जल्द इस बीमारी से हम बाहर आएंगे, कोरोना हारेगा, हम सब ज़रूर जीतेंगे और बहुत जल्द आप सब से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। बी सेफ, स्टे होम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।